फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें लेट्स लर्न को और प्रेस करें इस बेल आइकन को जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हम अपने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अपनी डेली सीरीज में, जिसमें होंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स प्लस डायग्नोस्टिक टीचिंग से रिलेटेड, रेमेडियल टीचिंग से रिलेटेड, कुछ एरर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, दो तीन टॉपिक मिक्स करके। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं, हर एक एग्जाम में बनते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन। फटाफट से कवर करेंगे जो भी टाइप्स हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, TLMs शुड बी यूज टू, जो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, शिक्षण सहायक सामग्री है, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए किस लिए? टीचिंग को इम्प्रेसिव बनाने के लिए, इम्प्रेसिव कहें या इंटरेस्टिंग कहें, जिससे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, या फिर मेक टीचिंग एंटरटेनिंग, मनोरंजक बनाने के लिए, मनोरंजक बना दीजिए आप शिक्षण को TLM की मदद से, प्रोवाइड कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स, आप एकदम कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स उनको पकड़ा पा रहे हैं, या फैसिलिटेट लर्निंग। तो अब यहाँ पर आपको बेस्ट सूटेबल आंसर जो है वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो ऑप्शन है वो नेगेटिव नहीं है जिसको आप एकदम से हटा पाए। तो जब भी TLM की बात होती है कि क्यों यूज किए जाते हैं, तो इम्प्रेसिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जिससे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, और बच्चे जब इंटरेस्टिंग होगा कुछ भी तो लर्निंग बहुत आसानी से हो पाएगी। तो जो ए ऑप्शन है इसका बेस्ट आंसर है। सेकेंड ऑप्शन पर चलते हैं। इसी क्वेश्चन को कितनी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि जो हमारा मेन मोटिव है TLM को यूज़ करने का, वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए है टीचिंग को। जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा उतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा उतनी अच्छी लर्निंग होगी। जो सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड क्वेश्चन है वो कहता है, व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग ऑन अ ब्लैक बोर्ड। जब आप एक ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है एक टीचर के लिए? राइटिंग इन बिग लेटर्स, बहुत बड़ा बड़ा लिखेंगे आप, या बहुत छोटा लिखेंगे, सेकेंड ऑप्शन कहता है। थर्ड है गुड राइटिंग, बहुत सुंदर सी राइटिंग होनी चाहिए, या फिर फोर्थ ऑप्शन क्लैरिटी इन राइटिंग। जो सोर्स है जहाँ से मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है वहाँ पर आंसर है गुड राइटिंग, बट आई डोंट थिंक कि गुड राइटिंग ज़रूरी नहीं है कि हर एक टीचर बहुत सुंदर लिख पा रहा होगा, लेकिन क्लैरिटी राइटिंग में होना ज़रूरी है। अगर क्लैरिटी है तो बच्चे समझ पाएंगे, अब वो सुंदर है नहीं है वो एक अलग चीज़ है, मेन जो चीज़ है वो क्लैरिटी है। दिखने में सुंदर होने वाली राइटिंग ज़रूरी नहीं है क्लियर हो, बहुत अच्छे से बच्चे उसको समझ पाएँ। तो जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन टीचिंग। जो आपके ऑडियो विजुअल एड्स हैं, दृश्य श्रव्य साधन, और फिजिकल एक्टिविटीज, जो आप फिजिकली जो आप मूव करते हैं क्लास में, इधर से उधर थोड़ा आप वॉक करते हैं, ये जो एक्टिविटीज़ है बेसिकली एक स्किल है, स्किल ऑफ स्ट्रीमलेस वेरिएशन, ये हमने पढ़ी हुई भी है स्किल्स के अंदर। तो ये किस लिए यूज किया जाता है इस टेक्निक को टीचिंग में? फैसिलिटेट इफेक्टिव असेसमेंट, कि बहुत अच्छे से आप इफेक्टिवली असेस कर पाए। प्रोवाइड अ डाइवर्जन टू लर्नर्स, एक डाइवर्जन, एक परिवर्तन में बेसिकली उनको मिल पाए, या फिर यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस टू एनहेंस लर्निंग, कि सबसे ज़्यादा सेंसेस का वो यूज़ कर पाए लर्निंग को एनहेंस करने में। प्रोवाइड रिलीफ टू द टीचर, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही हट जाता है, हम वो ऑप्शन कभी चूज नहीं करते जिसमें टीचर के आराम की बात हो रही हो, या फिर कुछ इस तरह का आइडल सी सिचुएशन हो, ठीक है? तो एक्टिव लर्निंग की तरफ हमारा ध्यान रहता है। तो जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा, कि भाई जब वो स्ट्रीमलेस वेरिएशन को यूज़ कर रहा है, कहीं तो ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ कर रहा है, तो बच्चे देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, और फिजिकल एक्टिविटी भी अगर हो रही है, तो सबसे ज़्यादा जो नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस का यूज़ हो रहा है, इसलिए जो सी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, एडवांटेज ऑफ गिविंग होमवर्क टू स्टूडेंट्स। बच्चों को होमवर्क देने का एडवांटेज क्या है? बहुत तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। अभी डीट प्लस में पूछा भी गया था कि मैथ्स में होमवर्क देने का क्या फ़ायदा है, और एक क्वेश्चन था कि खाली होमवर्क देने का क्या फ़ायदा है। तो ये आप ध्यान में रखें कि किस सब्जेक्ट से के रिगार्ड में पूछा जा रहा है, उस सब्जेक्ट की विशेषता को ध्यान में रखते हुए आंसर लगाएं। देखते हैं ऑप्शन में के जो, अगर नॉर्मल इन जनरल होमवर्क देने का क्या फ़ायदा है, हम बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं कि कोई इसका अदर ऑप्शन सूटेबल नहीं है। बेस्ट ऑप्शन जो होता है कि उनमें बच्चों में हैबिट डेवलप हो पाए सेल्फ स्टडी की, वो खुद भी पढ़ना सीख पाए, हमेशा उतना ही ना रह जाए जितना क्लास में कराया जाता है। तो जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। आगे चलेंगे फिफ्थ क्वेश्चन पर, द एरर्स ऑफ स्टूडेंट्स इंडिकेट। जो गलतियां बच्चे करते हैं, एरर्स हैं, वो क्या क्या दर्शाते हैं? ए ऑप्शन कहता है, चेक द एबिलिटी ऑफ ग्रुपिंग, कि आप उन्हें ग्रुप्स में डाल सकते हैं, उनकी एबिलिटी जो है ग्रुपिंग की उस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं उनको, या फिर टू एक्सटेंड देयर नॉलेज, उनकी नॉलेज को बढ़ा, उनकी नॉलेज में जो विस्तार हुआ है उसको शो कर रहा है, या फिर रेमेडियल स्ट्रेटजीज नीडेड, जो आपकी रेमेडी है, जो निदानात्मक शिक्षण है उसको आप अपनाएं, इस बात को इंडिकेट करते हैं एरर, या फिर नीड फॉर द डिफ्रेंशिएटेड करिकुलम, के अलग आपको करिकुलम यूज़ करना है। तो जो रेमेडियल स्ट्रेटजीज हैं, मतलब कि निदानात्मक शिक्षण की ज़रूरत कहाँ है, ये बात बच्चों के एरर, बच्चों की गलतियाँ ये दर्शाती हैं कि आपको निदानात्मक शिक्षण की ज़रूरत है, रेमेडियल स्ट्रेटजीज अपनानी है आपको, ताकि उनकी जो गलतियाँ हैं वो ठीक हो जाएँ।
रेमेडियल टीचिंग रेफर्स टू जो निदानात्मक शिक्षण है बेसिकली, वो किस चीज को रेफर करता है? टू एड्रेस गैप्स इन लर्निंग, के जो लर्निंग में जो गैप्स आ गए हैं, कहीं कहीं जो कमियां रह गई हैं उसको दर्शाता है, या टेस्ट लर्नर्स पेरियोडिकली, के लर्नर्स को पेरियोडिकली टेस्ट किया जा रहा है पीरियड्स में, या आफ्टर द रेगुलर स्कूल आवर्स, आफ्टर द स्कूल रेगुलर स्कूल आवर्स मतलब जो नॉर्मल स्कूल आवर्स हैं उसके बाद आपकी जो टीचिंग है वो रेमेडियल टीचिंग कहलाती है, बिल्कुल गलत। टू हेल्प ब्राइट लर्नर्स टू एक्सेल, जो अच्छे लर्नर हैं उनको एक्सेल करने में मदद करती है। सीधी सी बात है, निदानात्मक शिक्षण है क्या, इसको समझ लेते हैं। निदानात्मक शिक्षण जो है वो शिक्षण है जब आप देखते हैं कि जो बच्चे की जो कमियां हैं, जो आपने डायग्नोज की हैं, पता लगाया है जिनका, उनको आप रेमेडी दे पा रहे हैं, उनको आप निदान कर पा रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुलझा पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये बताती है कि जो गैप्स रह गए बच्चे की लर्निंग में, जो बीच में गैप्स आए हैं उनको ये दर्शाएगी, उनको दिखाएगी रेमेडियल टीचिंग। जब आप रेमेडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या गैप्स रह गए थे लर्निंग में, जिससे प्रॉब्लम आ रही थी, एरर्स हो रहे थे। फटाफट से कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। द बेस्ट रेमेडी फॉर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद लर्निंग इज, सबसे बेहतर जो रेमेडी है स्टूडेंट्स की परेशानियों को ठीक करने की लर्निंग से रिलेटेड, वो क्या है? सुपरवाइज्ड स्टडी इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में सुपरवाइज्ड स्टडी। सजेशन फॉर द हार्ड वर्क डायग्नोस्टिक टीचिंग, सजेशन फॉर प्राइवेट ट्यूशन। डायग्नोस्टिक टीचिंग जो है बेस्ट तरीका है आपकी किसी भी रेमेडी करने के लिए। सबसे पहले क्या होगा, अगर आपको एक उपचार करना है, एक परेशानी को ठीक करना है, तो आप पहले डायग्नोज करेंगे, देखेंगे कि परेशानी है क्या। तो सबसे पहला जो स्टेप है, बेस्ट जो एक तरीका है, वो डायग्नोस्टिक टीचिंग है, उसके बाद आप रेमेडी देते हैं। द पर्पज ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज टू, क्या मतलब जो पर्पज है रेमेडियल टीचिंग का, जो निदानात्मक शिक्षण है आपकी, उसमें जो आप बेसिकली उपचार दे रहे हैं, क्या पर्पज है इसका? टेस्ट रिसेंटली टॉट कंटेंट, अभी ये हमने समझा भी था कि जो आपने जल्दी कुछ टाइम पहले ही अपने कंटेंट को पढ़ाया उसी को दोबारा से टेस्ट कर रहे हैं। इंट्रोड्यूस न्यू कंटेंट, टीचिंग अगेन द टॉपिक कंटेंट नॉट प्रॉपरली लर्न। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि भाई जो बच्चों ने कोई ऐसा टॉपिक या ऐसा कंटेंट जो उन्होंने सीखा था पहले लेकिन प्रॉपरली नहीं सीख पाए, उसी को दोबारा सिखाना रेमेडियल टीचिंग है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फटाफट से करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ प्रोजेक्ट एड। प्रोजेक्ट एड कौन से होते हैं? जो प्रक्षेपण वाले होते हैं, जैसे कि आपकी जितने भी ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हैं जो प्रोजेक्ट करें किसी चीज पर, आपके बोर्ड पर या आपके प्रोजेक्टर पर स्लाइड के थ्रू या किसी भी तरह से, तो इसमें से ये पूछ रहे हैं कि कौन सा एक प्रोजेक्ट एड नहीं है, प्रक्षेपण का जो माध्यम है वो नहीं है। स्लाइड प्रोजेक्टर भी एक सीधे नाम से ही हम पता लगा पा रहे हैं कि प्रोजेक्टर का प्रोजेक्ट एड है। ब्लैकबोर्ड आपका प्रोजेक्ट एड बन सकता है आज के टाइम पे, अगर आप जुगाड़ की बात करें कि प्रोजेक्टर आप सीधा ब्लैकबोर्ड पर लगा दें, तो व्हाइट बोर्ड बेसिकली, बट जो रियलिटी है वो ये है कि जो आपका प्रोजेक्ट एड में ब्लैकबोर्ड नहीं आता है, एक बहुत साधारण सा एड है जो बिना किसी एक तंत्र के या कहें तो टेक्नोलॉजी के यूज होता है सिंपली। ओवरहेड प्रोजेक्टर जो है एक प्रोजेक्ट एड में आता है जिसमें आप शीट्स लगा करके और दिखाते हैं, ये एपिडायस्कोप भी प्रोजेक्ट एड के अंदर आता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, सिर्फ ब्लैकबोर्ड ही एक ऐसा माध्यम है यहाँ पर जो प्रोजेक्ट एड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट टूल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स। बच्चों को मोटिवेट करने के लिए सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? मेक लेसन्स मोस्ट इंटरेस्टिंग। बिल्कुल सही बात है, आप अपने लेसन को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएं। अब वो किसी भी तरह से आप बनाएं, चाहे आप ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करें, चाहे कोई और तरीका आप अपनाएं, ये सारी चीजें इसी के अंदर आ जाती हैं जो बाकी के तीनों ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर 11। Nowadays both teachers and students, जो आज के टाइम पे जो टीचर्स और स्टूडेंट्स हैं दोनों को कंप्यूटर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, या बिल्कुल नहीं जानना चाहिए कंप्यूटर के बारे में, या उनको पता नहीं होना चाहिए कि कैसे ऑपरेट करते हैं कंप्यूटर्स को, या फिर कंप्यूटर सेवी होने चाहिए, टेक सेवी होने चाहिए, मतलब कि उनको बहुत अच्छे से आना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेट करना। तो जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि आज की नीड के हिसाब से जो कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में टीचर और स्टूडेंट दोनों को पता होना चाहिए, इसलिए हम ICT को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ड्यूरिंग एजुकेशनल टूर्स वॉट शुड नॉट बी योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम चिल्ड्रन। जो आपके एजुकेशनल टूर्स आप देते हैं उस टाइम पर आप क्या, मतलब आप ट्रिप पे लेके गए हैं बच्चों को, तो वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट नहीं करेंगे बच्चों से कि जो बच्चे हैं वो ऑब्जर्व करें और क्वेश्चन पूछें? बिल्कुल आप एक्सपेक्ट करेंगे, नॉट जो है यहाँ पर यही एक चीज है जो समझने वाली है, बाकी क्वेश्चन आसान है। सेकेंड कहता है कि भाई चिल्ड्रन शुड एंजॉय द टूर, जो टूर है उसको एंजॉय करें बच्चे, बिल्कुल ठीक बात है। चिल्ड्रन शुड ऑब्जर्व एंड नोट क्वेश्चंस इन देयर डायरीज, तीनों ही बात ऐसी हैं जो होनी चाहिए। जो नॉट वाला ऑप्शन है वो आपका डी है, चिल्ड्रन शुड नॉट आस्क क्वेश्चंस। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते एज अ टीचर कि बच्चे क्वेश्चन ना पूछें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। इफ अ स्टूडेंट इज अ बैक बेंचर एंड ही रिपीटेडली स्टैंड्स, सीज द ब्लैक बोर्ड एंड सिट्स, यू वुड प्रिज्यूम।
अगर एक बच्चा बार बार खड़ा होता है और देखता है ब्लैक बोर्ड को, कभी बैठता है खड़ा होता है, तो इस बात से आप क्या अंदाजा लगाएंगे कि वो जो बच्चा है वो मिसचीफ क्रिएट कर रहा है, इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है क्लास में, या ब्लैक बोर्ड में हैव सम शाइनिंग इफेक्ट, कि ब्लैक बोर्ड में कोई शाइनिंग इफेक्ट आ गया जिससे वो देख नहीं पा रहा है? तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी के लिए शाइनिंग इफेक्ट आया हो, ऐसा तब हम मान सकते हैं कि शाइनिंग इफेक्ट है, चलो कहीं से रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, जब बहुत सारे स्टूडेंट जो उसके साथ आसपास बैठने वाले हैं वो भी उसी तरह का कर रहे हो कुछ, तो ये भी ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। ही हैज अ पुअर आई साइट, बिल्कुल हो सकता है कि उसकी जो आई साइट है वो कमजोर हो गई हो, पीछे से वो नहीं देख पा रहा हो, जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, विच इज कंसिडर्ड द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग बाय स्टूडेंट्स। सबसे ज्यादा जो बेहतर एक तरीका है, मोस्ट इफेक्टिव टूल है नॉलेज गेन करने का और समझने का स्टूडेंट्स के लिए, मतलब बच्चे किस तरह से अपने आप सीख पाएं और नॉलेज गेन कर पाएं, क्या एक इफेक्टिव वे हो सकता है? मास मीडिया, टीचर्स, पेरेंट्स या बुक्स? टीचर्स हो सकता था यहाँ पर, बट बुक्स होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर टाइम टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, तो जो बुक्स हैं वो बहुत बड़ा एक माध्यम है, इफेक्टिव टूल है लर्निंग का, जिससे कि स्टूडेंट्स खुद सीख पाएं। वाइल रीडिंग, वॉट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द बुक एंड द आई ऑफ अ लर्नर? कितना डिस्टेंस होना चाहिए पढ़ते टाइम एक लर्नर की आईज से उसकी बुक का? मिनिमम 6 inches, 12 inches, 10 inches या इनमें से कोई नहीं। तो 12 से, मतलब बेसिकली होता है 15 से 25 तक, बट जो हम अभी तक हमारा चल रहा है बुक्स में जो ऑप्शन में चल रहा है वो वही 12 इंच का चल रहा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मिनिमम 12 इंचेस होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट मेक्स क्लासरूम टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, जो सबसे ज़्यादा एक ऐसा फैक्टर जो कि क्लासरूम टीचिंग को आपकी इंटरेस्टिंग बना देता है, लेसन प्लान, कंटेंट आपके टॉपिक का, टीचर्स पर्सनैलिटी या टीचिंग मेथड, ये तीनों जो ऑप्शन हैं ये आपके जो फोर्थ ऑप्शन में आसानी से इंक्लूड हो जाएंगे। जो आपका मेथड है वो बेस्ट होना चाहिए, आपका लेसन प्लान रखा का रखा रह जाएगा अगर आप मेथड अच्छा नहीं अपना पा रहे हैं। कंटेंट का भी कोई फायदा नहीं है अगर आपका मेथड, आप जो जिस तरह से डिलीवर कर रहे हैं, जिस तरह से आप यूज कर रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को आगे तक पहुंचाने के लिए, वो ही ठीक नहीं है, तो जो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, इन मेकिंग ऑक्यूपेशनल फील्ड ट्रिप्स द पीपल्स शुड, जो ऑक्यूपेशनल फील्ड ट्रिप आप बनवा रहे हैं, मतलब बेसिकली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है उनके, तो इनमें देखते हैं ऑप्शंस। बी प्रिपेयर्ड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम देयर गाइड, कोई भी फील्ड ट्रिप हो, कोई भी टूर हो, जो क्वेश्चंस हैं बच्चों के आप कभी भी उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, वो पूछेंगे ही पूछेंगे। जो बी ऑप्शन है वो कहता है बी अकॉम्पनीड बाय द टीचर एट ऑल टाइम्स, जो टीचर है उसके साथ रहें बच्चे हमेशा। डिस्कस देयर विजिट्स अपॉन रिटर्निंग टू स्कूल, के जो विजिट जहाँ पर वो गए, जहाँ पर जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा उसको वो डिस्कस करें बाद में जब आप स्कूल में आ जाते हैं। तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स बी करेक्ट फॉर अ टीचर वाइल राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय कौन सा एक मेथड करेक्ट होगा, ठीक होगा, सबसे ज्यादा सूटेबल होगा? कि आप जल्दी लिखें और क्लियरली लिखें, जितना जल्दी लिखें और क्लियरली लिखें उतना बेहतर होगा, ठीक है? आगे का ऑप्शन देखते हैं। राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड देन आस्किंग स्टूडेंट्स टू रीड इट, जो आजकल बेसिकली यूट्यूब पर तरीका एक चल रहा है कि भैया पहले लिख लो बोर्ड पर, उसके बाद क्वेश्चन पूछो बच्चों से। जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, पुटिंग अ क्वेश्चन टू स्टूडेंट्स एंड देन राइटिंग द आंसर एज स्टेटेड बाय देम, कि आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पुट करेंगे क्लासरूम में, पूछेंगे कुछ, उसके बाद जो बच्चे आंसर दे रहे हैं उसको आप स्टेट करेंगे, मतलब कि आपने क्या किया, अगर आपने 4 बच्चों से आंसर लिया तो वो आप साथ के साथ वहां पर लिखते जा रहे हैं जिन 4 लोगों ने बताया। इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा उनको कंसीडरेशन मिलेगा, उनके उनकी इंडिविजुअलिटी पर फर्क पड़ेगा, वो देखेंगे कि भाई हाँ हमें कंसीडर किया जा रहा है हमारे आंसर को, और एनकरेज होंगे स्टूडेंट्स आंसर देने के लिए। जो फोर्थ ऑप्शन है उसको भी देख लेते हैं, टर्निंग टुवर्ड्स द ब्लैक बोर्ड एंड टीचिंग अलॉन्ग विद राइटिंग एट द सेम टाइम, कि भैया ब्लैक बोर्ड की तरफ करके अपना फेस और लिखते जाओ साथ में और पढ़ाते जाओ, तो जो डी ऑप्शन है बिल्कुल हट जाता है। सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर है कि भाई आप पहले क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से और जो वो उनके द्वारा जो आंसर निकल करके आ रहे हैं वो आप वहां पर लिखेंगे बोर्ड पर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज बेस्ट बाय अ टीचर, जो ब्लैक बोर्ड का जो यूटिलाइजेशन है टीचर के द्वारा इस्तेमाल सबसे बेहतर तरीके से हो सकता है, ये ऑप्शन देखते हैं। पुटिंग द मैटर ऑफ टीचिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट में आप मतलब डायग्राम्स बेसिकली बना रहे हो आप। सेकेंड ऑप्शन, मेकिंग द स्टूडेंट्स अटेंटिव, बच्चों को अटेंटिव करके। हाईलाइटिंग द टीचर हिमसेल्फ, अपने आप को हाईलाइट करेगा टीचर, या राइटिंग द इम्पॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स, जो सबसे बेहतर तरीका है, जो बेस्ट यूटिलाइजेशन है आपके ब्लैक बोर्ड का, वो इम्पॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स को आप वहाँ पर लिखेंगे। सारी रामायण लिखी हुई तो आपकी बुक्स में भी है, आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं लेक्चर मेथड से, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट और नोटेबल पॉइंट्स हैं जिनको नोट करना चाहिए वही आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं। डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है। जो फर्स्ट ऑप्शन है, जो डायग्राम है बेसिकली, राइटिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब है डायग्राम्स बनाना, तो जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आप डायग्राम्स बना करके समझा पाएंगे।
डी ऑप्शन राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 20, डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स, जो डायनामिक अप्रोच है टीचिंग की उसका क्या मतलब है. ऑप्शन देखते हैं, टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक. जो टीचर है वो एनर्जेटिक होना चाहिए और डायनामिक होना चाहिए, प्रगतिशील होना चाहिए. जो बी ऑप्शन है वो कहता है द टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनामिक. जो आपके टॉपिक हैं जो टीचिंग के वो स्टैटिक नहीं होने चाहिए, डायनामिक होने चाहिए, प्रगतिशील होने चाहिए, रुके हुए नहीं होने चाहिए. हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक डायनामिक टॉपिक ही उठाएंगे. कुछ अगर हिस्ट्री है आपकी तो वो स्टैटिक है, आप उसको चेंज नहीं कर रहे डेली, ठीक है. तो ये ऑप्शन अपने आप हट जाता है. टीचिंग शुड बी फोर्सफुल, कि आप जबरदस्ती बढ़ा देंगे. द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज, कि जो बच्चे हैं वो एक्टिविटीज के थ्रू ही सीख पाए. तो जो ये ऑप्शन है ये ठीक है, एक सूटेबल हो सकता है, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इसको इंक्लूड कर लेता है खुद में. हम ऑप्शन वो चूज करते हैं जो बेस्ट होता है, बाकी के तीनों को इंक्लूड कर ले या फिर वो तीनों अपने आप हट जाएं. तो जो ये ऑप्शन है इसका बेस्ट ऑप्शन है, एनर्जेटिक होना चाहिए टीचर को और डायनेमिक प्रगतिशील होना चाहिए, यही आपकी डायनेमिक अप्रोच है टीचिंग की. क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मटीरियल फॉर अ विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह से अभी तो विजुअली पूछा है. ऑडियो जो बेसिकली जो सुनने में जिसको प्रॉब्लम है वो जो इम्पेयर्ड बच्चा होगा उसके बारे में पूछ सकता है, किसी और तरीके से भी पूछ सकता है. तो विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग मेथड क्या होगा आपका. आप विजुअल मैटर्स मटीरियल यूज करेंगे, मतलब उसको देखने में तो पहले ही प्रॉब्लम है, आप और दिखा करके उसको पढ़ाएंगे तो और सबसे बड़ी दिक्कत है. जिस चीज में उसे दिक्कत है आप उसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे. वीडियो बेस्ड, फिर से वही बात हो गई देखने वाली ही. टेक्टाइल बेस्ड या नन ऑफ दी अबव. टेक्टाइल बेस्ड होता है आपका स्पर्शात्मक, तो जिसको देखने में दिक्कत है उसको आप स्पर्श करके समझाएंगे, ये बेस्ट तरीका है. जो आपकी ब्रेल जो लिपि है बेसिकली वो भी इसी चीज पर बेस्ड है. तो टेक्टाइल बेस्ड मटीरियल का आप यूज करेंगे एक विजुअल इम्पेयर्ड बच्चे के लिए. क्वेश्चन नंबर 23, सिनेमा इज कंसिडर्ड एज, जो सिनेमा है आपका उसे कंसिडर करते हैं आप किस तरह से. एक नॉन फॉर्मल एजेंसी है एजुकेशन की, फॉर्मल एजेंसी है, एक्टिव एजेंसी है या इनफॉर्मल एजेंसी है. तो सिनेमा क्या है, एक इनफॉर्मल एजेंसी है जिससे आप इनफॉर्मली सीखते हैं. नॉन फॉर्मल में आपके स्काउट गाइड और बाकी जितने भी एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स वगैरह सब आ जाते हैं. फॉर्मल में आपका नॉर्मल जो एक सिस्टम है वो. तो इनफॉर्मल जो एजेंसी है वो मीडिया है आपके लिए, सिनेमा है बेसिकली. क्वेश्चन नंबर 24, अ डायग्राम स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, द स्टेटमेंट मीन्स दैट द टीचर शुड. मतलब एक डायग्राम ये एक सेइंग है, एक कोट है जो कहता है कि एक जो डायग्राम है वो आपके 1000 वर्ड से ज्यादा बोलता है. तो इसका क्या मतलब है, आप इंटरप्रिटेशन क्या निकालते हैं इसकी. यूज डायग्राम्स इन टीचिंग, कि डायग्राम्स को यूज करो टीचिंग में, चाहे जरूरत हो ना हो, टॉपिक आपका उस लायक हो या ना हो, बस डायग्राम्स को यूज करो. बी ऑप्शन क्या कहता है, स्पीक मोर एंड मोर इन द क्लास, क्लास में ज्यादा से ज्यादा बोलो. यूज टीचिंग एड्स इन द क्लास, टीचिंग एड्स का आप यूज करो, शिक्षण सहायक सामग्री का यूज करो ज्यादा से ज्यादा. या फिर नॉट स्पीक टू मच इन द क्लास, क्लास में बहुत ज्यादा मत बोलो. बोलने से इस बात का कोई मतलब नहीं है. ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जो डायग्राम है वो आपका 1000 वर्ड से ज्यादा बोलता है, का मतलब है कि आपकी जो एड्स हैं, जो आपकी शिक्षण सामग्री है, वो आपके वर्ड से, वो आपके एक्सप्रेशन से ज्यादा समझा देती है. तो ये टीचिंग एड्स को यूज करने की बात यहाँ पर कही जा रही है. सी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग अ लेसन ऑन वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ को सिखाने के लिए आप सबसे बेहतर तरीका कौन सा अपनाएंगे. मॉडल का यूज करेंगे, फिल्म को शो करेंगे, स्लाइड शो रखेंगे या टूर पर ले जाएंगे. तो जो फील्ड ट्रिप है वो एक बेस्ट तरीका हो सकता है. अगर आप उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस कोई दे सकते हैं तो वो एक बेस्ट तरीका है. लेकिन यहाँ पर अगर क्लास मेंशन होती, कोई छोटी क्लास होती, तो आप उनको वाइल्ड लाइफ के पास नहीं ले जाएंगे एकदम. फिर आप वीडियो शो करके भी काम चला सकते हैं. तो यहाँ पर जो, क्योंकि हमें कोई कुछ मेंशन नहीं किया किसी भी लेवल के बारे में, तो जो बेस्ट मेथड होगा वो टूर होगा, फील्ड ट्रिप होगा, डायरेक्ट एक्सपीरियंस आप उनको दे पाए. क्वेश्चन नंबर 26, दिस इज एन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल फॉर अ टीचर. एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है टीचर के लिए, इंस्ट्रक्शन ले सकता है. इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बेसिकली होता क्या है, जो आपकी लर्निंग को फोस्टर करे, जो नॉर्मल आपकी टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अलावा एक ऐसी पूरक चीज जो बेहतर बनाए आपकी लर्निंग को. सप्लीमेंट्री मटेरियल, एटलस, करिकुलम गाइड्स, वर्कबुक्स. जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है जो आप देखते हैं एनसीईआरटी के साथ भी या नॉर्मल स्कूल में जो टेक्स्ट बुक है उसके साथ मिलता है, वो एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है टीचर के लिए, जिससे वो और ज्यादा एनहेंस करा पाए बच्चों की लर्निंग. क्वेश्चन नंबर 27, अ टीचर यूजेस अ रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर टू टीच राइटिंग. एक टीचर जो है एक रिपोर्ट का, एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट का इस्तेमाल करता है राइटिंग सिखाने के लिए बच्चों को, या बेहतर बनाने के लिए उनकी. द मटीरियल यूज दस फॉर्म टीचिंग इज रेफर्ड टू एज. ये जो मटीरियल यूज किया है टीचर ने, ये किस तरह का एक मटीरियल हुआ, रियलिस्टिक मटीरियल है, एक्सटर्नल मटीरियल है, नेचुरल मटीरियल है, ऑथेंटिक मटीरियल है. देखिए, रियलिस्टिक होना ना होना कोई जरूरी नहीं है. एक ऐसे टॉपिक पर भी एक आर्टिकल हो सकता है जो रियलिस्टिक ना हो.
एक्सटर्नल मटेरियल है, बिल्कुल 110% सही बात है कि एक टेक्स्ट बुक मटीरियल तो नहीं है, एक्सटर्नल मटेरियल है, नेचुरल है ना है या नहीं है इस चीज़ को भी आप कह नहीं सकते, डिपेंड करता है किस तरह का आर्टिकल है, ऑथेंटिक है या नहीं है ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि आर्टिकल बहुत सारे लिखे जाते हैं, जरूरी नहीं है सब ऑथेंटिक होंगे। बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर है, एक्सटर्नल मटीरियल है, बाहरी मटीरियल है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 28, द क्वालिटी ऑफ अ गुड साइंस टेक्स्ट बुक इज, जो आपकी साइंस की टेक्स्ट बुक है, एक अच्छी साइंस की टेक्स्ट बुक क्या है, उसके अंदर क्वालिटी किस तरह की होगी, ऑर्गेनाइज कंटेंट होगा, बिल्कुल ठीक बात है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है, डायग्राम्स हो, ठीक है, कॉस्टली हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, कोई कॉस्टली होने से अच्छे होने का कोई संबंध नहीं है स्पेशली बुक्स में, और ऑर्गेनाइज कंटेंट हो, डायग्राम्स हो, ठीक है बात, लेकिन क्योंकि साइंस पर यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं तो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि साइंस आपकी रात और दिन चेंज होती है, स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है, तो जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड है, जो लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट है, जो भी एक रिसर्च है वो इंक्लूड करनी चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ होनी चाहिए साइंस की टेक्स्ट बुक। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग इन क्लास 7th शुड बी एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर इन इफेक्टिव वे बाय यूजिंग, मतलब 7th क्लास के लिए आप ब्रीदिंग का जो एक मैकेनिज्म है, जो उस तरह से आप सांस लेते हैं, उसको किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे, सबसे बेहतर तरीका क्या होगा, टेक्स्ट बुक का यूज करके, चार्ट्स का यूज करके, इम्प्रोवाइज्ड अपार्टस, या फिर ओएचपी शीट्स, ओएचपी शीट्स होती हैं आपकी ओवरहेड प्रोजेक्टर की जो शीट होती हैं, जो ट्रांसपेरेंट होती हैं, तो यहाँ पर जो हम बात करें ब्रीदिंग एक मैकेनिज्म दिखा रहे हैं, तो आपको जो इम्प्रोवाइज्ड अपार्टस हैं, जो नया नए बिल्कुल क्या कहें एक यंत्र हैं, उसका आप यूज करेंगे, बिल्कुल बेस्ट जो यंत्र होगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शनल एड्स आर यूज्ड बाय द टीचर टू, जो इंस्ट्रक्शनल एड्स हैं, एक क्वेश्चन हमने अभी किया भी था सप्लीमेंट्री एड वाला, इंस्ट्रक्शनल एड्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं टीचर के द्वारा, ग्लोरीफाई द क्लास, कि ग्लोरीफाई कर देंगे क्लास को, क्लैरिफाई करेंगे कंसेप्ट को, अट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स को, या एंश्योर करेंगे डिसिप्लिन को, जो क्लैरिटी है उसके लिए, क्लैरिफाई करने के लिए कंसेप्ट को और अच्छे से जानने के लिए, फोस्टर करने के लिए लर्निंग को, इंस्ट्रक्शनल एड्स का इस्तेमाल किया जाता है टीचर के द्वारा, तो क्लैरिटी के लिए किया जाता है बेसिकली, जो बी ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस, आई होप हमने अच्छे से डिस्कस किए हैं, आपको अच्छे से समझ आए हैं, और ये एक बार आप फिर से भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, इट्स लाइक एन ऑनलाइन टेस्ट। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कोई भी सजेशन हो आपका, तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, थैंक यू।